न्यूज़ मोमेंट इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। दूसरा साप्ताहिक लॉकडाउन 29 जुलाई को है, जिसके तहत दक्षिण पूर्वी रेलवे के कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। सयांतन मुखर्जी बने तृणमूल लीगल सेल के नए चेयरमैन। समाजसेवी कृष्णा प्रसाद के सहयोग से मनोज सिनेमा के पास गरीब लोगों में बांटा गया राशन। बड़वानी पुलिस थाना की पहल पर लूनापुरा घाट में हुआ नए चेक पोस्ट का उद्घाटन। बाराबणी ब्लॉक के झार ग्राम पंचायत के अंतर्गत हुआ रास्ते की मरम्मत का कार्य शुरू। अंडाल के दामोदर में नहाने के दौरान डूबे चार युवक। पुनर्वास की मांग को लेकर काजोड़ा एरिया के हरिसपुर मांझीपारा के आदिवासियों का प्रदर्शन। अब रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हैं खबरें विस्तार से। Easy Lab, it keeps the information of patient and generate the test report such as complete blood count, semen routine, urine culture, etc. and generate the report as for the customer requirement. VIMS ERP, for any business item accuracy and the account accuracy is a very important thing. Our software help us to manage all these areas. Apart from that, we can manage our production process, budget. We can also integrate the barcode over here and generate the different types of reports like GST report, customer order standing reports, supplier order standing reports, etc. Cold storage and warehouse management system. In real-life scenario, it is very much difficult to test customers' goods who keep it for a particular period of time. The software helps us to test it from beginning to end. Means goods received to delivery memo. It also at any point of time we can come to know actual stock of a particular customer. It also gives the location details where it is kept. दूसरा साप्ताहिक लॉकडाउन 29 जुलाई को है। इसमें दक्षिणी रेलवे और पूर्वी रेलवे की कई ट्रेनें रद्द की गई हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: 020204 पटना हावड़ा स्पेशल 29 जुलाई को, 020203 हावड़ा पटना स्पेशल 29 जुलाई को, 02302 न्यू दिल्ली हावड़ा एसी स्पेशल 28 जुलाई को, 02301 हावड़ा न्यू दिल्ली एसी स्पेशल 29 जुलाई को, 02377 सियालदह न्यू अलीपुर द्वार स्पेशल ऑन 27 जुलाई और 29 जुलाई को, 02378 न्यू अलीपुर द्वार सियालदह स्पेशल 28 और 30 जुलाई को, 02202 भुवनेश्वर सियालदह स्पेशल 28 जुलाई को, 02213 शालीमार पटना स्पेशल 29 जुलाई को, 02214 पटना शालीमार स्पेशल 28 जुलाई को, 02021 और 02022 हावड़ा बारबिल हावड़ा और 02073 02074 हावड़ा भुवनेश्वर हावड़ा इत्यादि। 27 जुलाई को होटल इन में आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से सयांतन मुखर्जी को सम्मानित किया गया। उनको तृणमूल लीगल सेल का चेयरमैन बनाया गया है। इस मौके पर चैम्बर के सुब्रतो दत्ता, मनोज साहा, हरि नारायण अग्रवाल, पिंटू गुप्ता, प्रेमो सिंह व अन्य लोग मौजूद थे। समाज सेवी कृष्णा प्रसाद की मदद से मनोज सिनेमा के पास गरीब लोगों में राशन दिया गया। इस मौके पर दानिश अजीज ने
अहम भूमिका निभाई। गुजारिश भी की थी कि हमको थोड़ा सा जगह दिया जाए, जगह मिल काम करने का सुजोग दिया जाए। देखिए, अगर आपको अवसर मिलेगा तभी तो आप कुछ कर पाएंगे, अवसर ही नहीं मिलेगा तो आप कहां से कुछ कर पाएंगे। लेकिन यहां तो स्थिति कुछ और है, लोग आपके पास हम बहुत बाधाएं के बाद आए हैं। बाराबंकी पुलिस स्टेशन की पहल पर बांग्ला झारखंड रूनाकुरा घाट में एक नई चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया। सावन माह की सोमवारी पर दामोदर नदी से पवित्र जल लेने अंडाल के श्रीरामपुर कुटेडांगा घाट पर पहुंचे 6 युवक, जिनमें से 4 युवक जैसे ही स्नान करने पानी में उतरे पानी की तेज धारा में बह गए। यह देखकर 2 अन्य युवक गौरव मंडल और इंद्रनील घोष भाग कर गोपाल माठ के 4 युवकों के घर में जानकारी दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद गोताखोर और स्थानीय युवकों की टीम भी उनकी तलाश में जुटी है। घटना की जानकारी अंडाल थाना को मिला। अंडाल पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस जवानों ने भी नदी में उतरकर उनकी तलाश किया। घटना की जानकारी मिलने के बाद आसनसोल से डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम और सिविल डिफेंस की टीम भी पहुंचे। 5 घंटे की खोजबीन के बाद अंडाल के श्रीरामपुर माना के पास 2 युवक सौरभ मंडल 18 वर्ष और सीबू दास 18 वर्ष का शव बरामद किया गया, जबकि 2 की तलाश जारी है। इस घटना के बाद से 4 के परिवार वालों को का भी रो रो कर बुरा हाल है। पुनर्वास की मांग पर काजोरा एरिया के हरिशपुर मांझीपाड़ा के आदिवासियों ने अंडाल थाना मांझी मापाजी मांडव कमेटी और पश्चिम बंग आदिवासी कौडा समाज कल्याण संगठन पश्चिम जिला कमेटी की ओर से काजोरा एरिया महाप्रबंधक कार्यालय पर प्रदर्शन किया। दुर्गापुर के एमएलए विश्वनाथ प्रियाल और कुल्टी विधानसभा के कोऑर्डिनेटर व आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डेप्यूटी मेयर तबस्सुम आरा की चर्चा कुल्टी विधानसभा पश्चिम बर्धमान तृणमूल कांग्रेस से। नितुरिया प्रखंड के दीघी ग्राम पंचायत के पंच ग्राम फतेह डांगा में पंच ग्राम फतेह डांगा हाई मदरसा में सोमवार को एक छोटे कार्यक्रम के जरिए पश्चिम बंग प्राथमिक शिक्षक समिति नितुरिया न्यू चक्र द्वारा वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत पुरुलिया जिला परिषद के सभाधिपति सुजय बनर्जी ने किया।